मुजफ्फरपुर दरभंगा फोर लेन पर ए टू जेड न्यूज लाइव आज उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो अपने घरों में पानी आने के बाद अपने गांव कस्बों को छोड़कर फोर लेन सड़क को ही आसियाना बना लिए हैं, तंबू लगाकर उसके बीच रह रहे हैं। पॉलोथीन सीट जो लगाया गया है वह भी पर्याप्त नहीं है, ऊपर कड़क धूप, रह रह के होती बरसात और नीचे बाढ़ का प्रकोप, और ऐसे में स्थापित बाढ़ पीड़ितों की दर्द क्या हो सकती है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा और हालात कैसी होगी इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। ए टू जेड न्यूज लाइव ने ऐसे तमाम बेबस बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि फोर लेन की सड़क पर सड़क किनारे तंबू बनाकर गुजारा करना, इस बेबसी के पीछे क्या दर्द है, क्या दुख है, कैसा फील कर रहे हैं, खाने पीने का क्या व्यवस्था है, पॉलिथीन सेट मिले कि नहीं, अधिकारी आए कि नहीं, तमाम तरह की बातें। जैसे ही हमने माइक ऑन की कि बाढ़ पीड़ित शुरू हो गए और हर बात बता देना चाह रहे थे, कैसी बेबसी है। आप भी सुनिए बाढ़ पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी, दरभंगा मुजफ्फरपुर फोर लेन से स्पॉट लाइव टॉक। यह जो त्रासदी है मुजफ्फरपुर जिले के और दरभंगा जिले के बॉर्डर का जो इलाका है फोर लेन सड़क पर गायघाट प्रखंड क्षेत्र के लोगों का है, एक गांव और एक पंचायत की बेबसी नहीं है, तमाम वह गांव हैं। गायघाट का अमूमन पंचायत और गांव बाढ़ से प्रभावित रहा है, लेकिन आधे दर्जन ऐसे पंचायत है जहां की तमाम आबादी बागमती नदी के धारा में बर्बाद हो चुकी है और सड़कों पर फटेहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। लोग अपनी बेबसी को शब्दों में बताने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, कहते हैं कि एक दुख हो, एक बेबसी हो, तब तो हम बताएं। खाली पन्नी में रात के नाम कैसे खाते पीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कितना किलोमीटर पानी होता है घर में पानी है, सब बाल बच्चा के लोग सरकार तभी ना राहत के नाम पर सिर्फ पन्नी मिला है। चार दिन से सब भूखा है, कोई कुछ खाया नहीं, सिर्फ पन्नी दे दिया, ताव में सब बच्चा का रखा हुआ है, आप लोग इधर उधर पेड़ उड़ के छांव में रहते हैं, पेड़ उड़ के छांव में छांव नहीं है, पेड़ रहते हैं कि ये पुल बना दे, पुल बना दे, आवे जाए के रास्ता हम लोग का सुगरती हो जाएगा, कभी बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ आएबो करेगा, जाने आने का सुविधा रहेगा ना। ये पूरा टोला है, पूरा टोला, कितना की आबादी, 45 घर का 45 घर। तो पुल का मांग किए हैं कभी, हर बेर मांग कर रहे हैं, मुखिया को लेकर के सरकारी वोटर होता है तो यूं भी मांग कर रहा है, होगा 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 ना, सुनते नहीं, सुनते नहीं, कोई नहीं, ना ही बात, भूखे प्यासे त्योहार रहे हैं, न कोई खबर लेता है, न कुछ हो, बैठे यहाँ धूप में, न कोई पानी की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था है, बस भूखे त्योहार रहे हैं, सिर्फ एगो पन्नी मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं व्यवस्था है, यहाँ मर गया चाहे भी जिंदा है तो अभी। किस गाँव से आए, बरवारी पंचायत है, बरवारी पंचायत, गांव का नाम बरवारी है, यहाँ ठीका पाही बोलता है, ये ठीका पाही बवाराम था, ठीका पाही, यहाँ से कितना दूर है घर आपका, यहाँ सब घर हमारी सब गया है, मेरे है ये टोला पड़ा, पूरा में पानी है, पानी है घर घर, पानी भागे हुए घर घर, पानी है घर घर, पानी है तब में आकर के खाने पीने का क्या, कोई व्यवस्था नहीं है, देखते थे कितना दिन से रह रहे हैं, ये हो गया करीब 5 दिन हो गया, 5 दिन से 5-6 दिन हो गया, कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि सब नहीं, कोई नहीं, राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, खाली पन्नी, वही पन्नी दिया है, 10 हफ्त का पन्नी दिया और कोई तरह के कोई चीज़, पन्नी कितना मिला, बस ये है एक जुगी का मिला, उसमें अपना पन्नी लगा के तंबू बनाए,
कि उसी पन्नी से हो गया, वही चंगू से अपनों से कितना मीटर दिया। अब हम लोग नापे ऊपर नहीं है, कितना बड़ा यहाँ देखिए ना, यो पन्नी सब कोई नहीं आता। रमौली में रोड जाम हुआ था, जो रमौली का रास्ता पैरा बंद है। क्या नाम आपका? किसकी जगह नंदूरा? गांव का नाम बरवारी। बरवारी पंचायत बरवारी है? बरवारी है पंचायत। प्रखंड कौन सा हुआ? गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। तो प्रत्येक साल बाढ़ आती है? प्रत्येक साल बाढ़। यही हाल? यही हाल, कभी सूरत नहीं बदलता। कोई नहीं बदल सकते हैं कि किस तरीके से चावल मांग के लाया गया है आसपास की बस्तियों से। इन लोगों का बताना है कि इसको सुखा के और इसी को फाँक के या भूजा भूज के खाने की मजबूरी है। जब भूजने की बात आती है तो जलावन भी नहीं मिल पाता है। किनारे में आप जलावन देख पा रहे हैं, भूजा भूज के खाने की मजबूरी होती है। ये जो बाढ़ पीड़ित हैं, बताना है कि राहत के नाम पर इनको पॉलिथीन सीट दिया गया है, वो भी तब जब लगातार बार बार आरजू मिन्नत किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले का गायघाट प्रखंड क्षेत्र का यह हिस्सा है। ये कैमरे की नज़र से आप देखेंगे कि आगे की जो बस्ती है, यहाँ पर पुल निर्माण की मांग हो रही है। इन लोगों का कहना है कि एक छोटा सा पुल यहाँ पर बन जाए तो बस्ती के लोगों के बीच बाढ़ जैसी तरासें बहुत ज़्यादा नहीं फंसाएगी और सुविधा भी मिलती रहेगी। रोजी रोजगार का संकट है, लॉकडाउन की वजह से रोजी रोजगार पहले ही कट चुका है, इसमें बाढ़ की तबाही हो चुकी है। बस्ती में बीमारी होता है तो इन लोगों को इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। अलग बात है कि मुजफ्फरपुर के डीएम भी गायघाट प्रखंड का दौरा किए थे। आधे दर्जन पंचायतों को उन्होंने बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। दरभंगा मुजफ्फरपुर फोर लेन पर बसे हुए और अस्थायी रूप से रहने वाले, तंबू गाड़कर रहने वाले इन लोगों की बेबसी है कि पिछले चार दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। और जब राहत की मांग की तो मुखिया के द्वारा एक पन्नी सेट जरूर दे दिया गया है, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पास के दरभंगा जिला के इलाके में जाकर करीब 3 किलोमीटर दूर चलकर एक चापाकल से पानी लाते हैं, जिससे प्यास बुझती है। सुबह शाम जब शौचालय जाने की जरूरत होती है तो महिला हो या पुरुष, अपने हो या पराए, सास हो या ससुर, बहुएं, बेटियां, सभी लोग विवश हैं कि पानी में ही शौचालय जाएंगे और रोड के किनारे रहें। जब बच्चे विवश हो जाते हैं तो नदी से पानी को छान करके लाते हैं और उसी पानी को पीते हैं। किसी तरीके से जिंदगी जीनी है, जान पलट जाए तो फिर आगे की बात होगी, इसलिए लोग विवश हैं। यह जो त्रासदी है मुजफ्फरपुर जिले के और दरभंगा जिले के बॉर्डर का जो इलाका है, फोर लेन सड़क पर गायघाट प्रखंड क्षेत्र के लोगों का है। एक गांव और एक पंचायत की बेवसी नहीं है, तमाम वह गांव हैं। गायघाट का अमूमन पंचायत और गांव बाढ़ से प्रभावित रहा है, लेकिन आधे दर्जन ऐसे पंचायत है जहां की तमाम आबादी बागमती नदी के धारा में बर्बाद हो चुकी है और सड़कों पर फटेहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। लोग अपनी बेबसी को शब्दों में बताने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। कहते हैं कि एक दुख हो, एक बेबसी हो, तब तो हम बताएं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, दरभंगा मुजफ्फरपुर, फोर लेन, बिहार।